बहुत खतरनाक वाटर पास दो तीन है। लोग पाम दे आप लोग 100 डेजर्ट में थे आप लोग दोस्तों, आज का जो जर्नी है ना बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज का जर्नी हंदर से पैंगोंग लेक पहुंचने तक का है। आप लोगों को सब दिखेगा, कंडीशन ऑफ द रोड, आवर होम स्टे, ऑन द वे क्या हुआ, हंदर से पैंगोंग एक ही दिन में कैसे पहुंच सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हंदर से पैंगोंग लेक का दो रास्ता है, एक वाया खलसर शियोक एंड टू पैंगोंग, सेकेंड इज हंदर टू लेह वाया हैमिस टू पैंगोंग। ये वाला रूट 171 किलोमीटर है और ये वाला 281 किलोमीटर है, नियरली 110 किलोमीटर का डिफरेंस। तो व्हाई वुड वी टेक द रूट फ्रॉम लेह? एक्चुअली आज से कुछ साल पहले खलसर टू शियोक टू पैंगोंग का रास्ता बहुत ही ज़्यादा खराब था, और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है रास्ते में तो राम जाने, बिकॉज इट इज़ दैट आइसोलेटेड। तो चलो फिर आज के दिन में शियोक वाला रास्ता कैसा है वो दिखाते हैं। हमारे साथ कल से एक मेहमान है और इसी को देख के बिला हो रही है जिलस, क्योंकि हम इसको बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। देखा 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 देखा। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम लोग यहाँ से निकलेंगे। भाई हमारे लिए चाय, थैंक यू सो मच। और जो हॉस्पिटलिटी है बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। क्या नाम था इधर? हैप्पी कॉटेज में। हाँ, और 1000 रुपये में 3 बंदा क्या चाहिए और आज के दिन में। और वहाँ देखिए, वहाँ देखिए, रात को वहाँ पे बॉनफायर वगैरह लगाया था, थोड़ा सा हम लोगों ने माहौल वाहौल जमाया था। और हाँ, ऐसे ये एक रूम लिया था, ये रूम लिया था, वो रूम लिया था, 3 रूम पे हम सब लोग बसे हुए थे। अभी हम लोगों का प्लान है, आज हम लोग जाएंगे पैंगोंग जाएंगे, और पैंगोंग में क्या होता है कि 2-3 वाटर पासेस क्रॉस करना है। और जब धूप आज तेज निकलेगा, आप क्लाउड्स देख रहे हो, ज़्यादा तो नहीं है, अगर धूप ज़्यादा निकलता है मतलब बहुत ख़तरनाक वाटर पास 2-3 है, तो वो क्रॉस करना है जल्दी से जल्दी। मगर हम लोगों का जो आलसी लोग हैं, देखते हैं, ये देखिए इस रूम पे तो उठ गए, इस रूम पे तीनों के तीनों सोए। ओए उठो, बाप रे बाप, नहीं बाप बन जाऊंगा मैं अभी, उठो 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 उठो, जाना है कि नहीं? उठो सब, ये कौन सा चाय ला रहा है, देख वो चाय ले गया, देख जिंजर लेमन टी प्रेस को, देख ये पनी दे दो, ये पनी दे दो। यहाँ पे ये भाई लोग देख, एक ब्लॉगर दूसरे ब्लॉगर के साथ करेंगे चुई मुई चुई मुई। चुम्मी चुम्मी आज इसको लेके जाएगा टीनोन, बोल रहे क्योंकि टीनोन अकेला आया है, टीनोन भी इंस्पायर हो गया मेरा स्टोरी से, तो इसको लेके जाएगा। लेकिन ये इस रूम पे भी सब उठ गया क्या? सब उठ गया, सब उठ गया। आज स्ट्रेंजली टीनोन ने मुझे उठाया भाई, देवी नॉट बैड, मीठा तो बेसी खाली जबला स्वीटू, चाय पिएगी? चाय पानी पीना है जंगली। थैंक यू सो मच गाइस, गाइस बाय बाय बाय, लॉक पाम दे, निकलते हैं पैंगोंग जाना है। पैंगोंग कितना सारे वाटर पासेस क्रॉस करना है, रास्ता भी खराब है, 224 किलोमीटर है यहाँ से। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। ये देखिए सबसे खतरनाक वाला ऑफ रोड तो यही है। ये हम लोगों को ऐसा रास्ता मुक्तिनाथ में मिला था, नेपाल के मुक्तिनाथ में ऐसा खतरनाक रास्ता था ना वो, भाई गॉड। जंस्कार में भी ऐसा रास्ता नहीं है, जंस्कार का रास्ता तो काफ़ी अच्छा है, छोटे छोटे पत्थर है, आप लोगों ने जो देखा ऑलरेडी। दीदी 2-5 लीटर वाला देना। सो यहाँ पे बेसिकली हमें वी हैव टू टेक द टैंक्स, बिकॉज
पेंगोंग के लिए रास्ते में शायद मिले ना मिले पेट्रोल, कहीं कहीं भी तो होगा शायद, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू ले, हम लोग आज दूसरा रास्ता लेंगे, तो इसलिए हमें ये टैंक मतलब ये जेरिकेंस खरीदना पड़ेगा पेट्रोल हमारे लिए। दू कितना प्राइस है दीदी? कोई ऐसा खुला मत दीजिए ना, ऐसे रस्सी डाल के बांध ना अपने, देगा देगा। सो डिक्सिट डिक्सिट मनुष्य भी तुम लोग मिस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? नहीं जाना तो, क्योंकि वाटर पास आएगा आगे, इसीलिए हम लोग अपना केला वेला खा रहे हैं, कहीं ब्रेकफास्ट करने के लिए रुक गया तो हम लोग का वैसे ही एक दो घंटा चले जाता है, तो इसीलिए खा रहे हैं। और ये जो टैंक्स है बांध लिया है, पेट्रोल डालेंगे और चलते जाएंगे, बस इसमें से पेट्रोल लीक होके इसके बॉडी में ना लग जाए, नहीं तो उसको जलन सा हो सकता है। ये इंडी ब्रीड है, मतलब आप उत्तराखंड से मैंने अडॉप्ट किया था। अच्छा अच्छा जी जी। कैसा लगा? हाँ, आप लोग 100 डेजर्ट में थे आप लोग? हाँ हाँ यार, आई वॉज लुकिंग फॉर दिस। जल्दबाजी में तुम लोग जाते हो ना, इसलिए मेरा छूट जाता है। आपके पास तो कार है, हमको बाइक पे पहुंचना है, हमको बाइक पे पहुंचना है, आप हमारा समझो। आप पास में आए हो, दोस्त को फॉलो करो ना भाई, यहाँ पे डालो गाड़ी, एक डालो हो रहा है, तीन गाड़ी अभी डाल दो भाई, यहाँ पे डालो। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है लद्दाख के पेट्रोल पंप्स में, पेट्रोल पंप्स है कम और टूरिस्ट है बहुत ज़्यादा, सबको जल्दी चाहिए पेट्रोल। वो गाड़ी वाला भाई जी ने तीन गाड़ियों में पेट्रोल डाल दिया हमसे लेट आके, सो दिस वाज द होल क्वारल ऑल अबाउट। दिस इज अ मेजर इशू यू नो इन लद्दाख, व्हेन द सीजन इज ऑन दिस इज अ मेजर इशू। पेट्रोल पंप से थोड़ा ही दूर आया था और यहाँ एक इंसिडेंट होने ही वाला था। भार्गव एंड ऑल वे पैकिंग ब्रेकफास्ट सभी के लिए, क्योंकि हम लोगों ने कहीं पे कुछ नहीं खाया था। तभी बेला को बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स दिखे, और एक बार इसको स्ट्रे डॉग्स दिख जाता है तो ये भौंकना शुरू कर देती है। बेला को भौंकते देख के वहाँ पे कम से कम 10-15 स्ट्रे डॉग्स आ पहुँचे, और इनमें से एक ने लिटरली बेला को अटैक करने की कोशिश किया, और वो भी बेला के सीट के ऊपर। चेक द वीडियो। পাথর মারছেন, পাথর মার চলে ওই দিলে কামু নিলে সাবস্ক্রাইব মই ওলাই গৈছো ইয়াৰ পৰা, বুঝিছা? কুকুৰ বহুত আছে, এবাৰ ওলাই দিছে, এজনে জুপিয়ে কামুৰি দিছে, বেছ কামুৰি দিছে, অঁ একদম ধৰিব লৈছিল, বাচিলে গেলা। नमस्कार, हम लोग दिल्ली से लद्दाख का एक ट्रिप बाइक राइड कर रहे हैं। ये इसमें सेफ सॉइल का जो कैंपेन है, सतगुरु जी ने अभी लंदन से इंडिया तक जो 76 कंट्रीज क्रॉस करके सिर्फ सेफ सॉइल के लिए कैंपेन किया है। उसी हमारे लद्दाख के ट्रिप में शांतनु सेफ सॉइल कैंपेन के लिए राइड कर रहा था। He and Prakash had spoken all the aspects of how to save soil. The Save Soil movement has been initiated by Sadhguru, a yogi, mystic and visionary. इस वीडियो में हवा बहुत आने के वजह से ऑडियो खराब हो गया। However, Save Soil is very important campaign and initiative by Sadhguru because at present we just have 48% agricultural land. बाकी का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, kindly आप इसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो सब पता चल जाएगा। Having said that, cheers to Sadhguru, cheers, save soil! Lelele, 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 lelele.
ऊपर तक, इतना डेंजरस है। देखिए थोड़ा सा हवा, थोड़ा सा हिलने से पूरा गिर जाएगा। पूरे रास्ते में ये एक बहुत ही ख़राब पैच मिला है, अदरवाइज़ पूरा रास्ता ठीक ही है। आगे से भी रास्ता ठीक ही है, अगर आप लोग देख पा रहे हो छोटा छोटा वाटर पासेस है, ये तो बिल्कुल छोटा सा है, दिक्कत नहीं है, निकल तो जाएंगे। और मैं अपना बाइक ज़्यादा स्पीड में भी नहीं चला सकता, बेला परेशान हो जाएगी, बेला को मैं ये परेशानी नहीं करा सकता, इंपेशेंट हो जाती है। नहीं तो ये ऑफ रोडिंग वाली बाइक है, आराम से तो लेके आ ही जाता मैं। ये ऋषि है जो आगे खड़ा है, तो गुवाहाटी में क्या जहाँ पे होम स्टे पे रुका हुआ था वहीं पे हम लोग मिले थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग पहुँच गए हैं श्योक, और श्योक एक टाइम पे जाना जाता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता था, मतलब वन ऑफ द वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट प्लेस ये श्योक। द्रास भी है जो इंडिया में है, हमें मिला भाई साहब जो आगे आगे जा रहे हैं, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन बताया कि कितना आगे जाना है क्या है, और ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट 50 किलोमीटर, दो घंटे में हम लोग आराम से जाएंगे भी तो पहुँच ही जाएंगे। वहाँ से वहाँ पे होम स्टे ढूंढना है, फिर रहेंगे और कल भी रुकेंगे तो पेंगोंग आप लोगों को दिखेगा ही। अब यहाँ पे इन लोगों का कुछ खाना पीना चल रहा है, देखते हैं क्या है। बाय बाय, ठीक है दोस्तों। ये श्योक है, श्योक विलेज इंडिया का वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेसेस, पहले सबसे ज़्यादा यहाँ पे ठंडा हुआ करता था, आई थिंक अभी नहीं होता है, आजकल कहीं और होता है। और यहाँ पे बहुत सारा होम स्टेज वगैरह भी है, गेस्ट हाउसेस है, रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारा तो नहीं, यहाँ पे कम ही लोग रहते हैं, पर जितना रहने के लिए जगह है, मतलब गेस्ट हाउसेज एंड होम स्टेज आप लोगों को मिल ही जाएगा। वेल गाइस, ये है टांगस्टे का आर्मी सेटलमेंट एरिया। यहाँ पे शांतनु का एक फ्रेंड है, जहाँ शांतनु को मिलना चाहता है, आर्मी वाला ही बंदा है हमारे असम का, तो हम सब आसमी इस बंदे को मिलना चाहता है, और यहाँ पे शायद हम लोग खाना भी खाएंगे। शांतनु से बात हुआ था, अगर खाना कुछ खाने को मिलता है तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। ये देखिए पूरा आर्मी सेटलमेंट एरिया है। उफ़, अभी टांगस्टे पे एक रेस्टोरेंट टाइप से है कुछ, वहाँ पे एक ब्रिज के पास है, खाने के लिए रुके हैं। अभी टांगस्टे में जो एक्सपीरियंस किया हम लोगों ने, वो आप लोगों को मैं पब्लिकली बता नहीं सकता, बट जो एक्सपीरियंस हम लोगों ने किया, एक ऊपर से बता देता हूँ कि आर्मी के एरिया में गए थे हम लोग, और वहाँ पे कुछ ऐसा एक एक्सपीरियंस लिया जो ख़तरनाक वाला एक्सपीरियंस, वो हम लोग बता नहीं सकते, आप लोगों को दिखा भी नहीं सकते, बिकॉज इट्स टू कॉन्फिडेंशियल। सो भार्गव, अमेजिंग ऐसा एक्सपीरियंस, मतलब लाइफ में ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, पता नहीं कभी मिलेगा, जिंदगी में भी नहीं मिलेगा ऐसा। थैंक्स टू शांतनुदा, शांतनु उसी के वजह से हम लोगों को मौका मिला एंट्री करने के लिए, खतरनाक वो हम लोग बता भी नहीं सकते, बस ऐसा ही एक्सपीरियंस लिया। हाँ, खाना वाना अच्छा खाया था, खाने खाना का बहुत ढेर सारा खाना, क्या था, काजू था, काजू था, आलमंड था, आलमंड था, जूस था, भुजिया था, फ्रूट्स था, बिस्कुट था, बिस्किट था, एप्पल था, ऑरेंज जूस था, बहुत सारा खाना, गैस वाला मैदा खाना ना लगे, और जो राइट करवाया हम लोग, वाओ वो तो वो खतरनाक। एक बता ही देता हूँ, हम लोग एक टैंक के ऊपर उठ के राइड लिया, बाकी आप लोग खुद ही सोच लो कैसा है हालत, देखिए ऐसा हो गया रखा है। दोस्तों, ये पेंगोंग पहुंचने का रास्ता है, ज़्यादा दूर नहीं है, पर उससे पहुंचने से पहले ही ये रास्ता, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पुराना रोड जो है उसको तोड़ के अभी ऐसा हालत है। आई थिंक इन अनदर 5-6 मंथ्स ये रास्ता पूरा बन जाएगा, मक्खन बन जाएगा। ये पहाड़ जो है ना, वो लास्ट वाला पहाड़ जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, उसके पीछे ही है पेंगोंग लेक। रोड ब्लॉक्ड आधा घंटा होल, लास्टिंग कर ले, इधर क्लियर करिए, बांध के लगे क्या, ऐसे रखे ऊपर तो बांध के रखना पड़ेगा,
नहीं तो जम कर देगी तो। इसको एडॉप्ट किया था उत्तराखंड से। बाय रोड पूरा है कि बाय रोड 9000 किलोमीटर हो चुका है अभी। 9000 किलोमीटर हो चुका है अभी। एक ऑफ रोड लेना पड़ रहा है क्योंकि ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ये एक्चुअली नदी वाला ट्रेल ही है। वो जो पहाड़ है वहीं पे है पेंगोंग लेक, बस पहुंच ही गए, एक दो किलोमीटर होगा। मगर हम लोगों को लेना पड़ रहा है ऑफ रोड और ये बिल्कुल नदी के बीचों बीच। काफ़ी एडवेंचर हो गया वैसे आज। अब तक कितना किलोमीटर आया मैं? 155 किलोमीटर। Ladies and gentlemen, आप लोगों को दिखाता हूँ अभी पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए पेंगोंग लेक यहाँ से शुरू हो गया। This is freaking Pangong, जो आप लोगों को आज मैं इतना अच्छी तरह दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अंधेरा हो गया है। इसीलिए कल आप लोगों को बहुत अच्छी तरह दिखाऊंगा। अभी हम लोगों को दोस्तों पेंगोंग लेक पहुँचते ही हमारा टीम मेंबर्स अलग अलग हो गया था, मतलब कुछ मेंबर्स पीछे रह गया था और उनको ढूंढने में ही बहुत टाइम लग गया। फिर सीधा होमस्टे का डाइनिंग हॉल में ही वीडियो बनाने का मौका मिला। होमस्टे का फुल डिटेल्स वाला वीडियो मैं अलग से रिलीज करूंगा। Meanwhile, ये देख लीजिए। खाना में क्या था आज? खाना में चावल दाल चने का दाल और पनीर कुछ ऐसा मिक्स सब्जी मगर पनीर दिया हुआ था। अच्छा खाना अच्छा है ना? प्रकाश प्रकाश कहाँ है? सो गया क्या? इंटरनेट नहीं, आपका इंटरनेट चल रहा है क्या? कहाँ फोन ही नहीं चल रहा है। सो गया? हाँ बस। अच्छा बता ऐसा? रिवर क्रॉसिंग का जब बेला, कम ऑन बेला, स्लीप विद मी। नहीं। ओवरऑल ट्रिप रास्ता तो सुंदर है, थोड़ा मतलब ऑफरोडिंग भी था काफी और रिवर क्रॉसिंग में भी मजा आया मुझे। पानी वानी गीला हुआ जूता वगैरह। But this is what we have come for. Yes, yes. Guys, यार overall journey जो था, पहली बार शियोक होके दुर्बुक होके इस तरफ आया। ये वाला terrain मैंने पहली बार देखा है और बहुत ही सुंदर था, बहुत सुंदर था। थोड़ा बहुत ऑफ रोड था और थोड़ा बहुत आपका रास्ता बहुत अच्छा था। पर पेंगोंग पहुँचने से पहले रास्ता थोड़ा सा खराब है और हम लोग आज स्पांगमिक विलेज में है। और क्या बताया, खाना वाना खा लिया बाहर, थोड़ा ठंडा है इसलिए मैंने ये टोपी शोपी लगाया हुआ है। और एक्चुअली वाटर क्रॉसिंग में भीग गया था तो इसीलिए बहुत ठंडा है। देखो ये भी सो रही है। चलो मेरे साथ आज बेला सोएगी प्रकाश के साथ। आज का वीडियो इतना ही दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय अहम। बहुत थक गया, टाटा बाय बाय।